हरीश, यहाँ बैठे? तुमने तो कहा था तुम एक दो दिन ऑफिस से छुट्टी ले रही हो, कहाँ जा रही हो? छुट्टी तो ली थी, अगर अब लग रहा है कि चली जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। अगर देर नहीं हो रही तो 2 मिनट बात हो सकती है, यहाँ बैठो मेरे पास। नाराज हो उससे? बेटे, मैंने तो कहा था ना तुमसे कि अपना घर अलहदा कर लो, वो भी बच्ची है मेरी, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता, सब कुछ जानती हूं मैं, बस बर्दाश्त कर रही हूं। मुझे पता है कि वो इस घर का एक अहम हिस्सा है, शायद मुझसे भी ज्यादा अहम, मगर क्या करूं, कुछ चीजों पर मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। मैं जानती हूं कि मैंने ही अफान को उसके पास भेजा था, मगर जाहिर सी बात है बेटे, तुम बीवी हो उसकी, कौन सी बीवी ये सब बर्दाश्त करेगी? पर बच्चे, इस बात को लेके नाराज मत हो उससे, अफान पहले ही बहुत परेशान है। बताए ना मुझे अपनी परेशानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझसे ज्यादा तो एमन जानती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, प्लीज जो भी कुछ है तुम्हारे सामने है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरा दिल नाजिश की वजह से कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है, इसलिए बहुत कुछ सोच रही हूँ। वरना जो कुछ आज हुआ उस बात को भी नजरअंदाज कर देती। अच्छा चलो, अगर देर हो रही है तो जाओ जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कहीं नहीं जा रही मैं, यही हूँ आपके पास।